झूलली झूलानवा कि झूमे झूमिना मैया देली दारा सनावा कि झूमे झूमिना मैया देली दारा सनावा कि झूमे झूमिना निमिया के डाढ़ी मैया निमिया के डाढ़ी मैया झूलली झूलानवा कि झूमे झूमिना मैया देली दारा सनावा कि झूमे झूमिना मैया देली दारा सनावा कि झूमे झूमिना ये सारा भी हमारा साथ तोरे बहिनिया के भैरो हौवें भैया झूमे झूमिना मैया देली तारा सनावा हो झूमे झूमिना मैया देली तारा सनावा हो झूमे झूमिना हमारे महान सुपरस्टार और गायक एवं नायक जो कि यूपी बिहार का गौरव बढ़ाते आ रहे हैं और उनके लिए आज हर कोई के दिन में धड़कन तेज हो जाता है और आपके सामने हमारे परम मित्र और हमारे गुंजन सिंह जी और जो कि कुछ बोलेंगे हमारे आवारा म्यूजिक के बारे में डीजे सरफराज यहां पर है इनके तरफ कैमरा लेंगे मेरे साथ है राकेश कुमार उर्फ मारू इधर भी थोड़ा ले लीजिए और मेरे साथ है राजेश जी हैं सब यहाँ पर और गुंजन जी बोलेंगे इस आवारा म्यूजिक के बारे में जो कि नवादा के धरती पर पहली बार इतना बेहतरीन स्टूडियो खुला है नए एवं पुराने सिंगरों के लिए यहाँ आए अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके साथ जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ हमारे महान नायक गायक सुपरस्टार सुरों के बादशाह हमारे साथ गुंजन सिंह जी मौजूद हैं तो जोरदार ताली स्वागत करेंगे गुंजन सिंह जी का अपने दो शब्द रखेंगे आवारा म्यूजिक के बारे में और हम चाहते हैं कि आवारा म्यूजिक के लिए दो शब्द हमारे परम मित्र जी बोल दे जय हो भैया प्रणाम हम गुंजन सिंह सबके के पैर छुके प्रणाम करतानी गोड़ लगातानी ये अपना जिला है नवादा में एक स्टूडियो खुला है आज आवारा म्यूजिक के नाम से और सरफराज जी हैं सौरभ प्रधान जी सन्नी सारे लोग जितने भी लोग हैं सबों का समर्थन है इस स्टूडियो में और अच्छी बात है कि स्टूडियो नवादा जिला में खुला है तो भगवान करे बहुत आगे बढ़े इतना आगे बढ़े बढ़ते रहे एकदम कि उसका कोई ऊंचाई का कोई सीमा ही ना हो और आशीर्वाद देते रहिए आप लोग इस स्टूडियो को आवारा म्यूजिक को और जैसे आप मुझे आशीर्वाद दिए हैं सभी को आशीर्वाद दीजिए और सब कोई आगे बढ़े सबका विकास हो बस जिया और हम चाहते हैं कि गुंजन भैया हमेशा अपने इस जमीन पे जैसे कि आप पता होगा कि इनका जन्मभूमि नवादा है और नवादा के निजी क्षेत्र के ये गायक हैं और हम लोग सब मिलकर जिस तरह से सपोर्ट किए गुंजन भैया का और गुंजन भैया खुद चलकर यहाँ पर आए हैं अपना कीमती समय दिए हैं और आज इनका देवघर में प्रोग्राम है और ये देवघर प्रोग्राम को जाने को है और यहाँ पर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम मित्र जी गुंजन जी और आपने नवादा का गौरव सम्मान बढ़ाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हमारे राकेश भैया जी चलिए अरे यार हाथ नीचे कर हो गया